online transactions. Okay? So considering yourself to be a buyer, what steps need to be followed for online transactions? All of you are now aware about 10, 12 years back when we teach this topic. We had to tell the student, but now I guess all of you know. All of you believe currently is the trend where earlier online transactions are. So, someone who knows about the online transactions, yes, okay. So, even then, let's see the various steps involved. Number one is registration. So, whenever you open a site, seller, आपने कोई चीज परचेज करनी है सबसे पहले वो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहता है तो रजिस्टर की साइट मींस ओपन एन अकाउंट अपने अकाउंट का मतलब ऐसे को के अकाउंट को लाइक जस्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ यू हैव टू ओपन एन अकाउंट व्हेन यस और फिर द कस्टमर ऑफ दैट साइट ठीक है सो रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी सिंपल यू जस्ट हैव टू फिल योर नेम your address, your email ID, your phone number. इसमें एक तो vendor के लिए फायदा हो जाता है। उसके पास आपकी email आ गई, तब वो उसमें कोई भी, you know, अगर आप let's say आप Amazon से shopping करते हो, तो daily तो नहीं आप ज़रूरत होती है तभी आप site खोलते हो ना। अब वो चाहता है अपनी जैसे mall खुले हुए हैं, वो चाहता है shopping को बढ़ाना। इसी तरह Amazon भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा customer उसकी साइट को विजिट करेंगे तो परचेस करेंगे ना ठीक है तो उसके लिए क्या करता है आपकी आईडी को उसको यूज करता है आपको टाइम टू टाइम जितनी भी प्रमोशन है उसने सेल लगाई है ठीक है आप 15 अगस्त आ रहा है उसकी सेल लगाई है सब वेबसाइट से वो आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है फर्स्ट स्टेप फॉर ऑनलाइन बाइंग यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड ठीक है उसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर बट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर यू हैव टू सिलेक्ट द आइटम चूज बाय नाउ जस्ट लाइक वी गो टू द फिजिकल मार्केट वी बाय अगर हम मॉल में जाते हैं तो वहां रैक्स के सामान खड़ा होते हैं हम उसको अपने कार्ट में डाल के जाते हैं है ना और फिर जब हम बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसी बातें हैं जरूरत की होती नहीं है क्योंकि जब उठाते हैं तब ऑन इंपल्स जब आप ये पैसे देने की तरह तो लगता है नहीं बहुत बजट हो गया इसको छोड़ देते हैं और कई बार क्या होता है कि एक चॉइस सिमिलर प्रोडक्ट की चॉइस चूज लेते एक पेयर स्प्लिट का लेना है दो पसंद आ रहे समझ में आ रहा कौन सा है उस टाइम पे डिसीजन को पोस्टपोन करने के लिए हम दोनों चीजें कार्ट में डाल देते हैं सेम थिंग हैपेंस सो सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग Because there is a lot of choice, right? So keep on putting shortlisted items in the cart. So once you have decided in the end, तब आपको decide करना पड़ेगा. तो आपको जो चीज अभी चाहिए है, पसंद आ गई है, उसको cart में रख देते हैं. बाकी को या तो remove कर देते हैं, या wishlist में डाल देते हैं. कि मेरे को आज इस बार खरीदने का बजट था, तो खरीदेंगे. So let's put it over. Wishlist. Again, wishlist is a good to, you know, thing by the signs. The customer who will not have to constantly short his team. So wishlist may vary. So they go sapphire for our notification to page that they are deep sales are in the fish cars. Fish car. They are exhausting soon. They are now whenever I get a team to buy it. Yeah? So, once you have put the shortlisted items in the cart, now it's the job Place an order. So when you place an order, after placing an order, your order will be finalized only when you pay payment. So payment mechanism क्या है? Online shopping से आप payment करना online shopping. तो आप किस तरह से आप payment कर सकते हैं? There are different ways. COD, which is cash on delivery. Pay upon the day at the time of delivery. With the cash. Earlier was the most common mode of making online shopping. Now the other modes are becoming or gaining more popularity. Next is check. So online transactions continue. The vendor may
डेमो चेक लेने आएगा इसका डिलीवरी मैन, चेक ले जाएगा बैंक को लगाएगा, जब देखेगा ना चेक इन कैश हो गया है देन गुड सेंड दी गुड्स। नाउ दिस इज द फाइनल स्कूल आउटडेटेड फोर्थ है ना, ये भी ज्यादा चलन में नहीं। देन वी विल नेट बैंकिंग ट्रांसफर, आप अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में अपनी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके डिफरेंट वेज होते हैं जैसे कि IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, वो अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग अवेल की है तो आपके मेन्यू में एक आता है IMPS, आप उस पर क्लिक करिए, उसमें अपना वेंडर का नेम अकाउंट नंबर जो उसने भेजा है वो डालिए, इमीडिएटली अपना जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दे दीजिए, आपके अकाउंट से डेबिट होकर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। देन यू कैन ऑल्सो गेट नेफ्ट करवा सकते हैं, अगर आपकी स्मॉल पेमेंट है नेफ्ट का आज लीजिए, अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आज लीजिए सर, ठीक है। सो अनदर वे इज क्रेडिट और डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवरी वन इज हैविंग दिस अकाउंट है उसको बैंक इनकरेज करता है कि आप भी अपना डेबिट कार्ड जरूर लीजिए। What is debit card? It is an ATM card. इसमें क्या है कि कैप्टन कौन है आपका
सब कुछ हो जाता है। तो ज्यादातर बिना वाले क्या बैठो, मोबाइल तो हमारे पास होता ही होता है, और कुछ होना हो मोबाइल हमारे हाथ में होता ही है ना। तो आपने यूपीआई ऐप को अपने बैंक अकाउंट के साथ किया हो या पेटीएम हो, तो आप उससे आपको उसका यूपीआई भी पूछेगा जो कि 6 digits की होती है, that would be immediately the amount would be transferred. सबसे faster I guess. ठीक है? So these are the most steps in online buying. Very simple. Next step is security and safety of the transactions. So online transactions are very involved. और मामा आजकल तो साइबर रिस्क आपको पता ही है, टर्म काफी कॉमन है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में हमेशा ही रिस्क रहता है। रिस्क मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिस हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिस हैपनिंग व्हिच कैन रिजल्ट इन फाइनेंशियल रेपुटेशनल और साइकोलॉजिकल लॉसेस the parties involved in the transactions. This may be that a chance hai, probability hai, koi bhi mishappening ho sakti hai. But this mishappening may not be aapka financial loss bhi ho sakta hai. Aapka reputational loss bhi ho sakta hai. Reputational loss kaise ho sakta hai? Jaise se koi ye bahut badi firm hai, to wo apni taraf se uske paas customers ko payment kare, लेकिन किसी ने उसका सिस्टम हैक कर लिया और वो पेमेंट उसके पास नहीं पहुंची, सो ऑब्वियसली वो और भी नहीं डिलीवर कर रही क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी कि पेमेंट आ रही हो। सो इट हैपेंड से लैक्स ऑफ पीपल दे जॉइंट हैंड्स टुगेदर, दे मेड अ फोरम एंड दे पुट इट इन सोशल मीडिया, सी एमेजॉन इज गोइंग टू डू दिस, सो दिस इज कॉल्ड से साइकोलॉजिकल लॉस, सॉरी साइकोलॉजिकल रेपुटेशनल लॉस। Then psychological losses will also be there. आपकी psychology के साथ भी मैं play करती है ये sides. कई बार आपकी image खराब कर देती है, कई बार कुछ और तरह के videos डाल करके या आपका तेरे relation खराब हो जाता है, आपने online order place किया और आपको बोला गया कि इस time तक आपके relative या friend या spouse तक पहुंच जाएगा, तो नहीं पहुंचा, resulting in psychological losses to the parties involved in the transaction. Okay? So, in case of online transaction, there is greater probability of such a risk. Okay? For ये जो है safety and security के बहुत important concerns बताते हैं। जितने भी risks involved in business में, उनको broadly three categories में divide करते हैं। One type of risk is transactional risk. One type is transactional risk. Another type of risk is data storage and transmission risk. Data data storage and transmission risk. Third type of risk, threat to intellectual property and privacy risks. Threat to intellectual property and privacy risk. We will be explaining these risks one by one. First one, very simple transactional risks. So for online transactions, these are vulnerable to following type of transactional risks. One can't say transactional risks. We want to say online transactions. Number default on order taking or giving. Default on order taking or order giving. What is this risk? Anyone? Default on order taking or giving. अपने आप को? Okay. अपने आप को? Order payment की बात हूँ. सिर्फ order पे confined है ये risk. पेमेंट की बाद में कर दो अपने आप ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके और
सेलर के भी पॉइंट्स ओके राइट नाउ यू सेट कई बार ऑर्डर प्लेस अनइंटेंशनली हो जाते हैं हाथ उठ गया ऑर्डर सेट हो गया है ना तो आपको पता ही नहीं चला ऑर्डर हो गया सेलर ने आपको आपका ऑर्डर तैयार करके आपको भेज दिया और आपसे पैसे मांग रहे आप बोलो आई टू हैव नेवर प्लेस्ड दिस ऑर्डर नहीं होगा बायर ने डिनाय दैट ही हैज प्लेस्ड द ऑर्डर और इवन ऐसा भी हो जाता है आपने ऑर्डर प्लेस किया सेलर ने सेलर तक ऑर्डर नहीं पहुंचा he denies that order has been placed है ना आपने ऑर्डर प्लेस किया बहुत ही ज्यादा सर्दी था आपको वो चाहिए था पार्टी थी आपने कुछ शूज पहन के जा रहे थे आप आराम से बैठे हुए एक मिनट शूज आ जाएंगे आप कहते हैं पार्टी पे जाना है मेरी फेयरवेल पार्टी है तो मेरा अभी सब कुछ सेट है बस शूज आ जाना है आपके शूज ही नहीं आ रहे आपने कॉल किया इवेंट किया तो वो डिनाई करे आपका आपने प्लेस किया ऑर्डर ठीक है वही ना अब एक रिस्क है अब इस रिस्क जब आपको पता चल गया यू आर प्रोन टू सच काइंड ऑफ रिस्क मैं एक सेलर हूं मेरे साथ दो बार ही ऐसा हो गया कस्टमर कहता है मैंने ऑर्डर प्लेस किया था मैंने कहा मैंने तो किया नहीं था मेरे को रेपुटेशन एट स्टेक हो गई थी व्हाट विल आई डू मैंने एक नया कल्चर बना लिया कि कल को जब भी ऑर्डर आएगा मैं एक उसका कंफर्मेशन मैसेज उसके फोन नंबर पे उसके ईमेल पे भेज दूंगी Once the order has been placed, अगर seller, अगर buyer deny कर देता है उसने order को place किया, तो भी मेरे लिए risk है ना? So I will be confirming it to assure, to make it sure that yes, order has been placed. ठीक है? So, but this risk still is there, and this risk is called as default on order taking or order giving. This means that the seller may deny that customer has placed the order, or the customer denies that he ever placed the order. This is first type of transactional risks. Okay. Second type of transactional risks, it is that they default on delivery. Default on delivery. Delivery may not take place. Goods may be placed at wrong address, or wrong goods may be delivered. ठीक है? Defective goods. या तुम्हारे में शूज मंगवाए रिमॉक के आ गए. Second copy आ जाती है. ओरिजिनल मंगवाया कॉपी आ गई. होता है ऐसे गलत एड्रेस पे चले गए नेबर्स के घर चले गए उन्होंने डिनाई कर दिया मेरे पास तो आए अब सेलर तो बेचारा फंस गया क्योंकि मैंने तो कुछ भेजे हैं रॉन्ग एड्रेस पे चले गए ना तो सेलर के पास पेमेंट आ गई है लेकिन बायर इसकी जान खा रहा है ठीक है केस कर रहा है उसपे या सेलर ने गलत कुछ भेज दिए तो कस्टमर का नुकसान डिलीवरी हो जाए तो सेलर देते हाउ विल हु डिलीवरी मैन किसका है सेलर का ही डिलीवरी कौन करवा रहा है सेलर करवा तो फ्लिपकार्ट के वो डिलीवरी मैन आते हो पूरी वैन में आते हो एक अपनी नॉर्मली अगर ज्यादा बड़े गुड्स हो तो एक ट्रैक में लेके आते हैं अपने गुड्स जब उनका बिजनेस ज्यादा चल तो उन्हीं का हायर पर्सन है ना तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल है ठीक है ना आप शॉप में गए आपको एक लेफ्ट साइड के लेफ्ट फुट के दोनों शूज दे दिए तो आप शॉपकीपर को जाके बोलोगे कि सेल्समैन को जाके बोलोगे है ना सो ही इज रिस्पॉन्सिबल सो दिस रिस्क इज नोन एज डिफॉल्ट ऑन Delivery. क्या है ये risk? Intended delivery does not take place. Goods are delivered at wrong address. Or goods other than ordered may be delivered. Seller भी prone है risk के.
पाया भी है, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट ऑन डिलीवरी। थर्ड टाइप ऑफ रिस्क, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। सेलर कहता है मेरे को पेमेंट मिली, कस्टमर कहता है मैंने पेमेंट कर दी है। दिस रिस्क में आंसर भी दिया है। सो दिस नाउ तो दिया भी बॉन्ड, मैंने कहा बहुत ज्यादा बिजनेस का ट्रेंड है। सो वी आर लर्निंग, बायर इज लर्निंग हाउ टू कीप हिमसेल्फ से, सेलर इज लर्निंग हाउ टू कीप हिमसेल्फ से। तो सेलर जैसे ही पेमेंट होती है, ठीक है, मैसेज आ जाता है। अगर तो आपने ऑनलाइन देखो भी है, तब तो आपके पास प्रूफ है कि आपके अकाउंट में से इतने डेबिट हो गए, पक्का किसके अकाउंट में गए, किसके अकाउंट में गए, यू हैव प्रूफ। तब अगर सेलर डिनाय करता है मेरे पास नहीं आए हैं, ठीक है, जरूरी नहीं वो जान के डिनाय करे, उस तक नहीं पहुंचे, इन बिटवीन कुछ ऐसा हो गया सिस्टम में, है ना, तो आपके पास प्रूफ है, यू कैन शो कि मैंने तो पेमेंट करी, ठीक है। तो इसी तरह सेलर को पेमेंट नहीं मिली, वो भी प्रूव कर सकता है कि जी मेरे को पेमेंट नहीं मिली है, मैंने गुड्स को डिलीवर नहीं करी, ठीक है। सो दिस इज डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। दीज आर नोन एज ट्रांसैक्शनल रिस्क, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग फॉर पेमेंट, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी and default on payment. Now such situations can be avoided. इनको हम कैसे avoid कर सकते हैं? By providing for identity and location address verification at the time of registration. Identity provide कर दे अगर customer, जब आप registration करवा रहे हो, कह सकते हैं अपना ID proof हमें दिखाओ, अपने address को verify करो, ठीक है, एंड फॉर ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन एज टू बी ऑर्डर कन्फर्मेशन एंड पेमेंट रियलाइजेशन। आपने रियलाइज किया होगा जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो कंफर्म करता है आपसे कि भी मैसेज भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है, यू हैव प्लेस दिस ऑर्डर, ठीक है। और अगर आप पेमेंट कर देते हो तो योर पेमेंट हैज बीन कंफर्म्ड, योर पेमेंट हैज बीन रियलाइज्ड, ठीक है, बाय अस, ये भी मैसेज भेज देता है, दोनों पार्टी के लिए सेफ्टी है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क दैट इज डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, बेटे आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन इज अ पावर, इंफॉर्मेशन जो है वो पावर है, और अगर ये पावर रॉन्ग हैंड्स में चली गई तो बहुत गलत काम हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डेटा हमने स्टोर करके रखा होता है सिस्टम्स में, इट इज एक्सपोज्ड टू नंबर ऑफ रिस्क एंड रूट, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब ये जाता है, यानी जब ये एन रूट होता है, रास्ते में होता है, it is exposed to many kinds of risks. Vital information may be stolen or modified to pursue some selfish motives. आपकी जो बहुत important information है वो चोरी भी हो सकती है, उसको modify भी कर सकते हैं कुछ अपने selfish motives के लिए, ठीक है। Two type of data storage and transmission risks are mainly virus and hacking. दोनों आपने सुना हुआ है? Virus. What is the full form of virus? Do you know what is acronym? Acronym है, पता है सबको? Acronym मतलब? नहीं, acronym का मतलब क्या? Abbreviation है. IRUS. Its full form is Vital Information Under Siege. Vital Information Resource Under Siege. Actually, यहाँ पे आपकी बुक में R की full form नहीं दी हुई है. It is Vital Information. Okay, R की नहीं है. Vital Information Under Siege है. Vital Information
under siege. So when you have important information, it is under siege. Again, it is under the control of somebody else. It is virus. Virus basically kya hota hai? Ek program hai. What is a program? It's a series of commands jo hum system ko dete hai, hai na? Program aise banta hai. So it's a program which replicates itself on other computer systems. Jo apne aap ko dusre computer systems mein replicate karta hai. Tabhi hum antivirus install karate hain ki koi bhi external device agar hum dal dein to usme virus hai. वायरस मतलब वो प्रोग्राम है जिसकी टेंडेंसी अपने आप को रेप्लिकेट करने की, यानी वो हमारे सिस्टम में भी आ सकता है. तो इसीलिए हम एंटीवायरस चलाते हैं ना. सो बेसिकली व्हाट इज वायरस, फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज. इट्स अ प्रोग्राम व्हिच रेप्लिकेट्स इटसेल्फ ऑन अदर कंप्यूटर सिस्टम. बेटे ये डिफरेंट लेवल्स का होता है. अब वायरस का वायरस किस तरह से आपको अफेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कौन सा लेवल वायरस. जो चार लेवल्स होते हैं वायरस, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर. जो लेवल वन वायरस है उसमें क्या होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है. इट्स इट जस्ट कॉजेस अनोयंस ऑन योर स्क्रीन. ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जब आप कर रहे हो, देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो राइट हैंड होने लग गया या कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो इस तरह का वायरस. ये लेवल वन. लेवल टू इज डिस्ट्रप्शनिंग ऑफ फंक्शनिंग. आपकी फंक्शनिंग डिस्टरप्ट हो गई, चलते चलते कोई प्रोग्राम बंद हो गया. कोई आपने एमएस ऑफिस पे आप काम कर रहे थे, वायरस के करके वो बंद हो गया. This is disrupting of functioning. Level 2 virus. Level 3 virus. Damage to target data files. कोई targeted files को damage करना उसका purpose होता है, ठीक है. जल्दी ऐसा करते जैसे पाकिस्तान में कोई हमारी files destroy करती है, तो उन files को particularly वो virus target करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा हमारी टारगेटेड फाइल्स. लेवल फोर इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम. आपका सारा का सारा सिस्टम खराब हो गया, आपको सब कुछ रीइंस्टॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है. रेस्ट टुमारो. यहां तक किसी को कोई डाउट?